इंदौर में खेल खेल में एक बच्चे की जान चली गई। बताया जाता है कि अपने घर के पास पड़ोस की दुकान में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी दुकान में रखी 5 लीटर की सैनिटाइजर कैन उसे मिली, जिसमें से उसने ग्लास में सैनिटाइजर उड़ेल लिया और फिर माचिस से आग लगा ली। चिंगारी लगते ही ग्लास में रखा सैनिटाइजर भभक उठा, जिसमें बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। बच्चा चिल्लाया भी, लेकिन दुकान मालिक ऊपर ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था, उसे आवाज सुनाई नहीं दी। जब दुकान से धुआं उठा तो वो दौड़कर नीचे आया और देखा कि बच्चा आग में झुलस रहा है। उसने आग बुझाई और वो MY अस्पताल लेकर पहुंचा, जिसका 3 दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस पूरी घटना में परिजनों की लापरवाही तो है ही, दुकानदार की भी लापरवाही सामने आई है। बच्चे के हाथ में सैनिटाइजर कैसे पहुंचा, घटना के दौरान दुकानदार कहां था, जब परिजनों को मालूम था कि बच्चा चंचल स्वभाव का है, फिर उसे अकेला क्यों छोड़ा गया? बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चा था छोटा, उसके बाद सैनिटाइजर था, ऑफरऑल सैनिटाइजर से वो देख रहा था कि कैसे क्या होता क्या नहीं होता, एक रखा था घर में, फिर उसने गिलास विलास में डाला उसको, और जैसे उसने कुछ आग वाग लगाने की कोशिश करी, कपड़े को भी रुक गया और